तो मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना नायका हॉल, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं एक साथ ही आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैंने क्या क्या परचेज किया है लग्जरी स्टोर से, मैंने क्या क्या परचेज किया है। तो बहुत ही अच्छे प्राइस में मैंने लिपस्टिक मंगवाई हैं, जो स्मैश बॉक्स की है वो भी मंगवाई हैं, बट वो अभी नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तक वो मेरे को मिल नहीं आई, मतलब आई नहीं है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो जो मैंने लिप कलर लगाया है वो हुदा ब्यूटी का है। चलो देखते हैं। सो गाइज, ये है मेरे इसके अंदर प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसको पहले मैं ओपन कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दोनों बॉक्स के प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना शॉवर जेल वगैरह और शैम्पू मैंने मंगवाए थे, तो बहुत अच्छे प्राइजेज में मिल रहे थे। अभी 11 के लिए शैम्पू मंगवाया है गाइज, ये बहुत अच्छा शैम्पू है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने 11 को यूज़ करके देखा है कि ये एक तो 3-in-1 है, सबसे पहला प्रोडक्ट है ये 3-in-1 है जो आप देख सकते हो। नो पैराबिन है, नो सल्फेट है, नो मिनरल ऑयल है, नो सिलिकॉन्स, नो कलर। तो ये आप देख सकते हो, इसमें सारे मेंशन चीज़ें की होती है ना, तो उससे आपको अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा पता लग जाता है कि हाँ हमें क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए। वाओ के प्रोडक्ट वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, और ये मेरे को इसके साथ ये एक छोटू सा एप्पल साइडर विनेगर मिला था जो मेरे को अच्छे ऑफर में मिला था। ये 399 का है और ये मेरे को ऑफर में मिला था, पता नहीं आई थिंक 215 या कुछ इस टाइप का, तो मेरे को बहुत अच्छा ऑफर मिला था। 300 ml है और 3-in-1 है। ये शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है और बॉडी वॉश भी है, तो मुझे ये बहुत अच्छा है। स्ट्रॉबेरी और एक ना ऑरेंज फ्लेवर में भी था, तो आप ये देख सकते हो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और ये पंप वाला है। तो मैंने ये 11 के लिए मंगवाया है। और एक्सपायरी डेट वगैरह, हाउ टू अप्लाई, सब कुछ इसमें मेंशन किया होता है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ना तो उसमें मेंशन किया होता है, तो आप ये ले सकते हो। तो मैंने एक मंगवाया था, ये 50% ऑफ में मिल रहे थे बॉडी वॉश के, आपको पता ही होगा, बाथ एंड बॉडी वर्क्स के, बॉडी वॉश के नहीं सॉरी। तो ये विटामिन ई शॉवर जेल है, मतलब आपको ड्राई स्किन नहीं करता है, शॉवर जेल है। और एक मैंने मंगवाया था इसका स्नोई पीच का वो है नाम, और ये मेरे को 50% ऑफ में ही मिला है, क्योंकि 50% पिंक सेल जो चल रही थी तो उसमें मैंने परचेज़ किया है। फ्रेश फ्लावर पिकिंग एक ये मंगवाया था, ये भी 50% में है। इसका प्राइस है 750 और इसका भी 50% में मैंने 325 रुपये का, साढ़े 300 रुपये का मैंने कुछ इस टाइप का ही मंगवाया। कभी मैं ऑफलाइन भी ले लेती हूँ, कभी कभी ऑनलाइन भी ले लेती हूँ। कितनी बार मैंने आपको दिखाए भी होंगे कि मैंने प्रोडक्ट लिए हैं, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे को लगा कि मेरे को बनानी चाहिए वीडियो तो मैं बना रही हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट है अवीनो का एक्टिव नेचुरल्स डेली मॉइस्चराइजर लोशन। ये बहुत अच्छा है, मुझे प्रेगनेंस फ्री जो भी प्रोडक्ट होते हैं बहुत पसंद है, और मतलब प्रेगनेंस फ्री मतलब क्रीम, जो क्रीम होती है, जो मॉइस्चराइजर होता है, जो फेस क्रीम होती है, मुझे फ्रेगनेंस फ्री पसंद है। मेरे को बिल्कुल भी उसमें खुशबू नहीं होनी चाहिए। 354 ml का है और इसका प्राइस है 1000 रुपये, यूज़ बिफोर 2025 में सब कुछ लिखा हुआ है, 1000 रुपये का है। बाकी ये मैंने 800 कुछ का मंगवाया था पिंक सेल में, जो पिंक सेल लगी होती है उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और ड्राई स्किन के लिए तो सबसे अच्छा है, ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा लगा था, आपको ज़रूर बताना है आपको कैसा लगा। थोड़ा सा अभी आपको लगता है ना कि किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना है, मैं कुछ चीज़ बताना भूल गई, तो प्लीज़ बता, पूछ लेना बेझिझक। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे को ना नेल पेंट लेनी थी, ये देखिए मैंने कल लगाई है ये नेल पेंट, क्योंकि मैं हॉनेस्ट रिव्यू दूँगी, मैं बेकार के नहीं देने वाली। ये मैंने कल लगाई है और मेरे को कल ही उसी टाइम पे ही, ये मैं तो 10 रुपये वाली भी लेती हूँ ना, वो भी बहुत अच्छी भी निकल जाती है कितनी बार, तो आपको भी पता ही होगा कितनी अच्छी निकल जाती है कितनी बार हम जब भी परचेज़ करते हैं नेल पेंट। ये मैंने 350 रुपये की एक है, एक लिपस्टिक नेल पेंट है जो मैं दिखाती हूँ। एक बार ब्लॉग में भी दिखाया था कि मैंने मंगवाई है, पर मैंने ये सोचा था एक मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊँगी, जो ये वाली वीडियो मैं बना रही हूँ वो सेपरेट वीडियो। इंस्टा ड्राई सच में है, 2-3 बार तो अप्लाई कर लिए, एक बार ये वाला करा था, एक बार ये वाला, अभी जो मैं रिसेंटली जो लगा रखा है ये वाला कलर। गाइज, ये 1 मिनट में निकल गई, 1 मिनट में, मुझे लगा था
पहले तो ये भी निकल गई थी, तो मुझे लगा था पहले मैं ये ट्रांसपेरेंट लगा करती हूँ, क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट नेल करके, फिर ना ये थोड़ा काफ़ी दिन तक चल जाता है, तो मैंने ये लगाया। ये कलर तो बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छा है। अगर आपको एक घंटे के लगाना है तो लगा सकते ले सकते हो। बाकी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि लेने के लिए, मेरे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, बट ठीक है, मंगा ली थी तो कुछ तो। ये दो के साथ दो फ्री है, तो मेरे को ये ठीक नहीं लगी। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मेरा फेवरेट है, हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक, जो मैंने एक लगाई हुई है और ये इस पैकिंग में आती है, इसके अंदर से मैंने निकाली है। सो इसका जो टेक्सचर है और कलर है, ऑसम लग रहा है यार। ये कलर के अभी भी किसी टाइम पे भी लगा सकते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले कलर। अब मैं ये अपने लिप्स पे लगाना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। हनीमून वाला तो कर लिया था मैंने। बहुत अच्छा है। आजकल आपको पता है ये न्यूड लिपस्टिक बहुत चल रही है, तो ये इसका टेक्सचर ना क्रीमी है, मतलब ये मुझे लग रहा है ट्रांसफर है जो हल्का फुल्का आएगा। अच्छा गाइज, आपको जैसे लिप लाइनर लगा के लगाना हो ना, कोई कोई जैसे लिप लाइनर नहीं लगाते या फिर उसके बाद न्यूड लिपस्टिक चाहिए होती, तो ये सबसे अच्छी है। ये बहुत अच्छा लगने वाला है, मुझे बहुत पसंद है ये। हम तब लगा सकते हो जो फुल मेकअप किया हो ना, उसके बाद ये बहुत अच्छा होगा। और मैं आपको एक बार स्वेचेस करके भी दिखाती हूँ, हैंड स्वेच। इसमें तो ये और लाइट लग रहा है, बाकी ये बहुत अच्छा कलर लग रहा है, दिख रहा है, ये देख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा कलर लगा ये। इसमें बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है। सो गाइज, आप ज़रूर बताना ये कलर आपको कैसा लगा। अब मैं आपको नेक्स्ट हनीमून लिपस्टिक का कलर शेड अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ, जो पहले इसको क्लीन करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। क्लीन भी बहुत इजीली हो रहा है, ऐसा नहीं। सो गाइज, एक ये वाला कलर है हनीमून, जो ये वाला कलर, ये वाला, और बहुत अच्छा कलर है। मेरे को ये ऐसे कलर, न्यूड कलर बहुत पसंद आते हैं। सो गाइस, ये है एक लिपस्टिक जो मैं अप्लाई करने वाली हूँ। ये मैंने आपको पहले भी, जब मैंने मतलब मैं हमेशा से ये वाला कलर लेना चाहती थी, बट ये ना थोड़ा वो था, ऑफर में नहीं आता था कभी। ये क्यों नहीं फोकस हो रहा है, ये देखिए। ये बहुत अच्छा कलर है, जिसको पिंकिश टोन में पसंद है ना, न्यूड पिंकिश टोन में, तो ये ले सकता है। और जिसको ब्राउनिश टोन में लेना है, जैसे कि न्यूड ब्राउनिश में, तो आप वो ले सकते हो। और मैंने सिर्फ एक ही कोट अप्लाई किया है, और ये बहुत ही मतलब क्रीमी टेक्सचर है इसका। और अभी तो मैंने लिप लाइनर यूज़ नहीं किया है, लिप लाइनर यूज़ करके तो दोनों ही लिपस्टिक बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम शेप वगैरह बना लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, मेरे को ये कलर बहुत अच्छा लगता है। आपको पता होगा कि मैं स्मैश बॉक्स का एक लिप कलर है जो मैं ये बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, जो मेरे को बुलेट में मिल गया है, बुलेट लिपस्टिक में, जो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना, लिपस्टिक के कलर कैसे लगे मेरे को ज़रूर बताना, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।